हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास आज अवेलेबल है मार्स के कंसीलर। ये बहुत ही अच्छे कंसीलर हैं मेरे पास। इसके टोटल 5 शेड्स अवेलेबल हैं और टोटल 5 शेड्स ही मार्स वालों ने इसके कंसीलर निकाले हैं। मेरे पास 5 शेड्स हैं, आप देख सकते हैं। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी पैकेजिंग है। इसका आइटम कोड यहाँ पर मेंशन है और इस तरीके के सारे शेड्स इसके बारे में जो भी है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये शेड नंबर है बफ, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें नहीं होता, बहुत अच्छे से कवरेज देगा। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका, मीडियम टू फुल कवरेज के साथ है। लास्ट ऑल डे लॉन्ग, जैसे कि ये क्लेम करता है कि हमारी स्किन के ऊपर लास्ट ऑल डे लॉन्ग तक रहेगा। यूज अंडर आईज एज टू कंसीलर डार्क सर्कल्स, हमारे डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए यही यूज किया जाता है कंसीलर। इसके ऊपर जो इसका प्राइस है वो मेंशन है, आप देख रहे हैं। इसे प्राइस है 149 रुपीज। जो फर्स्ट वाला है वो थोड़ा फेयर स्किन टोन वाले के लिए, मतलब पिंकिश अंडरटोन वालों के लिए फर्स्ट और सेकंड। थर्ड वाला है वो मीडियम टू फेयर अंडरटोन वाले के लिए। और जो फोर्थ वाला है वो है न्यूड शेड एंड द लास्ट वन इज पोर्सिलियन। ये भी बहुत अच्छा शेड है, आइवरी, लाइट आइवरी करके शेड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको 2 घंटे तक अपने हाथ पे लगा के रखा और मैंने इसे काम भी किया है। और ऑक्सीडेशन की जहाँ तक बात की जाए, जो थर्ड वाला शेड है ये वाला शेड है फर्स्ट, और जो सेकंड वाला शेड है वो तो मुझे सेम एज इट इज ही लग रहा है। बट जो लास्ट सेकंड लास्ट शेड है ये वाला शेड है, जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ है। मार्स के कंसीलर मेरी तरफ से जो मैं रेटिंग दूंगी वो दूंगी 7/10, बिकॉज मुझे फर्स्ट नंबर पे तो मेबेलिन का ही कंसीलर लगता है बेस्ट।